सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से ड्राइंग्स का जो वीडियो है वो शूट कैसे करता हूँ। मैं अभी 6 से 7 मंथ से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं डाला कि मैं किस तरीके से शूट करता हूँ। तो मैं आज ये दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि मैं शूट किस तरीके से वीडियोस को करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी आप अच्छे से, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वीडियो को शूट किस तरीके से किया जाता है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वीडियो को शूट करें तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है? और कुछ टिप्स भी दूंगा कि और भी वीडियो को अच्छा क्वालिटी में कैसे शूट किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैरेट है। मेरे फादर बिजनेस मैन है, फ्रूट्स बिजनेस मैन है, तो उसी में ये अंगूर आता है फ्रेंड, इसमें इस कैरेट में। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ये यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर 3 कैरेट का यूज़ किया है फ्रेंड, ये बड़ा वाला 3 कैरेट का मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर प्लास्टिक का है। एंड एक छोटा सा कैरेट है, इसमें भी ग्रेप्स आते हैं। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3 एंड एक छोटा वाला है 4, मैंने 4 कैरेट का यूज़ किया है। और फ्रेंड इसके ऊपर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ बुक्स है उसको मैं यहाँ कैरेट के ऊपर रखूँगा। देखिए यहाँ पर कुछ पुराने बुक्स हैं, कुछ थोड़ा मोटा मोटा मैंने बुक्स लिया है क्योंकि थोड़ा सा हाई ऊपर करना है, इसलिए हाइट ऊपर करना है इसका। सो यहाँ पर मैंने 4 बुक्स ले लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 बुक्स यहाँ पर लिया है। एंड यहाँ पर कुछ मैंने लकड़ी लिया है, ये एप्पल का, इसमें एप्पल आता है उसी का ये वुड है। एंड अब देखिए मैं आपको किस तरीके से यहाँ पर ये लगाऊंगा, इसी से मेरा जो वीडियोस है वो शूट होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा वीडियो शूट नहीं होगा फ्रेंड। सो देखिए यहाँ पर मैं 2 बुक्स के नीचे मैं एक लकड़ी को रख रहा हूँ एंड उसके नीचे मैं एक और लकड़ी को रख रहा हूँ, उसके ऊपर अटैच कर रहा हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जब भी मैं मोबाइल रखूँगा तो वहाँ पर अच्छे से वो अटैच हो जाएगा और अच्छे से रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक मोबाइल रखूँगा, देखिए ये ओप्पो का मोबाइल है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं वीडियोस को शूट करता हूँ। तब आपको इस तरीके से रख देना है। एंड मैंने एक पेपर लिया है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर टेबल के ऊपर रखता हूँ फ्रेंड। एंड उसके ऊपर मोबाइल इस तरीके से रखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैमरा, देखिए मैंने कैमरा को ओपन कर लिया है। कुछ इस तरीके से वीडियो शूट होता है। मैं यहाँ पर पेपर रखता हूँ और ड्राइंग बनाता हूँ एंड उसके ऊपर मैं जो वीडियोज़ है वो शूट होता है। मैं शॉर्ट्स का भी वीडियो इसी तरीके से बनाता हूँ फ्रेंड। सो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसी तरीके से शूट करता हूँ। एंड मेरे पास एक टेबल है, ज़्यादा बहुत पुराना टेबल है तो इसी को, बहुत छोटा है तो इसी के ऊपर मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं अभी बड़ा टेबल लेने का सोच रहा हूँ लेकिन मैं अभी इसी से काम चला रहा हूँ फ्रेंड। एंड उसके ऊपर मैंने एक पेपर रखा था रेड कलर का जो आप लोग देखे होंगे। एंड ये फ्रेंड एक ट्राइपॉड है जिससे मैं वीडियोज़ को शूट करता हूँ, अच्छे तरीके से वीडियो शूट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वीडियो को शूट करने में अच्छे तरीके से। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया था। एंड इसके ऊपर मैंने एक मोबाइल रख दिया है फ्रेंड। किस तरीके से मैं वीडियो को शूट करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर इस तरीके से अटैच होता है एंड मैं यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। मैं कभी कभी वहाँ भी वुड के ऊपर भी रख देता हूँ एंड कभी कभी मेरा अलग अलग एंगल से मैं मोबाइल से भी शूट कर लेता हूँ फ्रेंड। सो ये था, मैं इस तरीके से वीडियो को शूट करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोस को शूट करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है फ्रेंड,
मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो को शूट करता हूँ और एडिट भी करता हूँ, और एडिट किस तरीके से मैं करता हूँ उसका भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड, मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा अच्छा वीडियोज़ बनाने का। मैं बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ अभी तक YouTube पे, लेकिन YouTube मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्या पता क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने चैनल पे 110 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। आप लोग को सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता फ्रेंड, आप प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर तक इस पहले चैनल को ले जाइए कम से कम। मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करने का कोशिश करूँगा। आप जो जो इस चैनल पे यहाँ तक आ चुके हैं ना, प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मुझे कुछ अंदर से खुशी होगा फ्रेंड, ठीक है? तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।